स्कूटर थर्ड गियर में जो पिकअप ले रही है ना, थर्ड गियर में मतलब जितनी भी ऐसे कर्व्स और ये सब आ रहे हैं ना, थर्ड गियर के अंदर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। सबसे पहले हंटर ली थी हरियाणा में, बाद में रिव्यू डाल रहा हूँ, 2 साल बाद 20,000 किलोमीटर चला दी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो आज हमें देव प्रयाग में अपनी हंटर से ड्राइव करके आए हैं, जैसा कि आपने पहले वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो आज मैं अपना हिल्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, हंटर का कैसा रहा, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी थी कि हंटर हिल्स के ऊपर कैसी परफॉर्म करती है या क्या है। तो सबसे पहले बता देता हूं, ये हंटर जब लॉन्च हुई थी उसके 3rd दिन मैंने परचेज कर ली थी, मतलब 2 साल होने वाले हैं और फर्स्ट पेड सर्विस इसकी इस मंथ में हो जाएगी। तो कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस कराई थी इसमें, जैसे शंप गार्ड हो गया और ये इन सब की वीडियोज़ मैंने डाल रखी है पहले ही। तो और दूसरी चीज़, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है हिल्स के ऊपर, इनका जो टर्निंग रेडियस है बहुत अच्छा है और ग्रिप बहुत अच्छी है टायर्स की इसकी। तीसरी चीज़ हम अगर बात करें इसकी, तो माइलेज बहुत अच्छी है, 35 की एवरेज देती है हाईवे के ऊपर, और हिल्स के ऊपर इसका पिकअप जो है वो बहुत अच्छा है, और ओवरहीट की कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना इंजन के साथ, तो कोई ऐसी खास दिक्कत आएगी नहीं आपको। और शॉकर, अगर सस्पेंशन की बात करें हम, तो शॉकर सस्पेंशन इसके बिल्कुल स्टिफ नहीं है, क्योंकि मैं सोलो ड्राइव करके आया हूँ और अभी मैंने मॉर्निंग में निकला था, तो 300 समथिंग किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया और 300 समथिंग मैं अभी दोबारा करूँगा। तो क्योंकि यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आज वापस ही निकल जाएँ, क्योंकि दर्शन हो गए और अब यहाँ से हम वापस जाते हैं। तो हिल्स का एक आप लोगों को व्यू देना, वो एक्सपीरियंस देना था हंटर का, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना दें। तो सारी चीज़ें अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, अगर इसकी बात करें तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, क्लच वगैरह, पिकअप, और मतलब ओवरऑल आप इसे कहीं से भी कंपेयर करो, कुछ भी कंपेयर करो, इस बाइक में हर चीज़ एक्यूरेट है। और लाइट का बस अगर एक फोकस की बात करूँ तो आपको एडिशनल लगवानी पड़ेगी, मैंने HJG की लगवाई थी, तो जो कि आपके ऑफ रोडिंग के काम आती है। आज एक वो ऑफ रोडिंग का और बताना है मैंने, कि अगर आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग में यूज़ कर रहे हो, तो ऑफ रोडिंग के साथ इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना आपका, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कितने भी पैच आए हैं अभी तो कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं। इवन अगर आप थक जाते हो तो हिमालयन की तरह इस पर थोड़ी देर खड़े होकर ड्राइव कर सकते हो, तो उसमें मेरे को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। और जो लोग कहते हैं कि इसका चेन सेट 10,000-12,000 रुपये ख़त्म हो जाता है, तो मेरी बाइक 19,000 प्लस चल चुकी है और टचवुड अभी वही चेन सेट चल रहा है। हाँ, चेन लूप, चेन क्लीनिंग का टाइमली करनी पड़ती है, थोड़ा प्रायोरिटी पर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, मिरर मेरा वहाँ पर एक टूट गया था। तो बाकी यार, ओवरऑल अगर इस बाइक की बात करो तो हर चीज़ में बाइक परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, और पिकअप इसको आप जितना चलाओगे उतना ज़्यादा पिकअप इसका एनहेंस होता है और अच्छा होता है, तो आपको पिकअप की कमी नहीं आएगी, लैक नहीं होगा गाड़ी में, मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि मिसिंग हो रही है कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये चल गई है 19,056 किलोमीटर, जो कि इसकी सर्विस का टाइम आ ही गया है, और ट्रिप ए मैंने आज ड्राइव करी है, 341 कर दिया है, अब रात तक पहुंचते पहुंचते ये 700 हो जाएगी। तो गाइस, अगर हम हंटर की राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें हिल्स के ऊपर, तो इसने बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी है, और फर्स्ट गियर और सेकंड गियर की ज़रूरत नहीं पड़ी, थर्ड गियर में ही गाड़ी अपने आप को सही, बिना लैग के गाड़ी वर्क कर रही थी, और सारी चढ़ाइयाँ इसने थर्ड गियर में चढ़ी है। फोर्थ गियर पे ऑब्वियसली वो बड़ी गियर हो जाती है, तो थोड़ा वो होगा, तो थर्ड गियर इसके लिए सफिशिएंट है, और पावर की कहीं कमी नहीं हुई, ओवरटेकिंग में कभी कोई दिक्कत आई नहीं आज तक। और हिल्स पे मेरे को थोड़ा डाउटफुल था कि शायद ओवरटेकिंग की दिक्कत है, पर हिल्स के पे आते ही इसने तो परफॉर्मेंस की क्या बताऊँ, मतलब दाद देनी पड़ेगी जितना, मतलब इन्हें इसे बोला गया था ना कि ये शॉर्ट बाइक है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है, ये है वो है,
मतलब कितना कुछ सुनने में मिला था जब हमने ली थी। और यार मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, मैं तो जिस बिना सिर्फ लॉन्च होने के बाद लेके आ गया था, 6 तारीख को लॉन्च थी, 9 तारीख को मेरे पास बाइक आ गई थी। और भाई ये सब उसके बाद ये सारी चीज़ें सब सुनने को मिल रही, मैंने कहा यार अब कहीं अब तो गलती हो गई या बढ़िया हो गया वो तो बाद में ही पता लगेगा, पर फिलहाल तो ले ली, अब जो है सो है। लेकिन आज जब इसने हिल्स पे अपने आप को प्रूव कराना, तो मतलब, और एक चीज़ और है, अगर आप लोग हंटर को ड्राइव कर रहे हो पहले से और आप सोच रहे हो कि पहाड़ों पे उनसे चलेगी या नहीं चलेगी, सिर्फ ये नी गार्ड ज़रूर पहन लेना पैरों में, और ये हैंड ग्लव्स कह रहा हूँ, तो ये पहनना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अभी ये टर्न्स आते हैं ना, तो इस टाइम पे कभी भी अगर आप सामने से कोई आ रहा है और आपकी ब्रेक लग गई और आप स्किट हो गए, तो या फिर बाइक क्रैश हो गई, तो उस टाइम पे कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो अपनी तरफ से जो सेफ्टी हो सकती है वो करके चलो। और एक चीज़ और कहूँगा इस चीज़ के लिए कि हंटर की एवरेज पहाड़ों के ऊपर भी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अभी मैंने 336 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ और अभी इसमें डला है 1400 का पेट्रोल डला है, और 1400 में मैं अभी देवप्रयाग से वापस जा रहा हूँ दिल्ली के लिए, और 337 ड्राइव हो चुकी है और अभी पूरे पॉइंट्स वापस हैं, रखे हुए हैं इसमें, हो रखे हैं। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ब्रेकिंग की बात करें, या किसी भी चीज़ की अगर हम इस बाइक की बात करें ना, तो यार ए क्लास बाइक है, इतने रुपये में बहुत अच्छी बाइक मिली हुई है। और जो कह रहे थे हीटिंग प्रॉब्लम है, तो अगर आप बाइक को रन कर रहे हो और बाइक रुक नहीं रही, तो कोई हीट प्रॉब्लम का पता भी नहीं चलता कि ये हीट है या नहीं है। तो अब निकलते हैं घर के लिए, और आप लोगों को कुछ और क्वेरी रह गई हो हंटर से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने इस पर थोड़ा बहुत जो काम कराया था, जैसे ये कार्बन फाइबर जैसा ये इसके ऊपर करवा दिया था हल्का सा, और क्रैश ना होता तो ये शीशा सही था, आज ही उतार के फेंकेंगे, नया लगवाना है। यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं सेपरेट लाइट्स के, 1 2 3, ये हैजार्ड पार्किंग और ये सब, वो सब तो मैंने आपको बाकी वीडियोस में समझा ही रखा है। बाकी जो चीज़ें मेन थी और जो मेरे को हिल्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैंने इसलिए अभी करना ज़रूरी समझा कि थोड़ा एविडेंट भी हो जाए कि हाँ मैं पहाड़ों पर उसे लेके खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।